हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? सो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। उड़ीसा क्रिकेट लीग T20s का ये 29 मैचेस कवर कर रहे हो, डीजे वर्सेस ओपीए के बीच में दोस्तों इस T20s का एक और जैकपॉट मैच कवर कर रहे हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस रहेंगे, और हमने दोनों ही टीमों की ओर से दोस्तों काफ़ी सारे रिसर्च एनालिसिस करने पर आपको इस मैच में भी एज अ ट्रंप प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से स्मॉलिस के साथ साथ मिनी जीएल और आप सभी को ग्रैंडिक्स भी विन कराकर देंगे। और साथ ही जानेंगे किस प्लेयर को हमें यहाँ से स्मॉलिस टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को हमें यहाँ से ग्रैंडिक्स के टीम्स में ट्राई करना है, विद जो भी हमारे कप्टन है वाइस कप्टन के डिफॉल्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे, हम उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस मैच से जुड़ी ए टू जेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो मिल जाएंगे, तो एंड तक देख लीजिएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे फैंटेसी क्रिक फैन के रियल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लू कलर का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर टैप करोगे तो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे। और जो भी हमारी फाइनल टीम स्मॉली ग्रैंडलीस की होंगी आपको अपडेट लास्ट के मिनटों में टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जुड़ना दोस्तों। और हमारे ही नाम से लोग स्कैम कर रहे हैं, पैटिंग के नाम पर बहुत सारे यूजर्स के साथ फ्रॉड भी हुआ, तो आप हमारे रियल टेलीग्राम से जुड़िए और मैच के टाइम आपको लास्ट के मिनटों तक सिर्फ चैनल पर एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्ले स्टेटस के बारे में दोस्तों। ये उड़ीसा क्रिकेट लीग T20s का 29 मैच है, जो कि आपको 8:30 पर ये मैच स्टार्ट हो रहा है। जो इनकी वेन्यू है कि ड्रीम्स ग्राउंड कुटाक के वेन्यू पर मैच होगा, ये सेम वही ग्राउंड है जहाँ पर इससे पहले के रिसेंट इनके सारे मैचेस खेले गए थे। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो 120-140 के आसपास में स्कोर बन तो दिखेंगे। बाकी दोस्तों अगर हम पिच की बात करते हैं दोस्तों, जो पिच एक तरह से देखो तो बैलेंसड ही नजर आएंगे, जिसमें आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों को अच्छे खासे रन स्कोर बनते हुए दिखेंगे, जिसमें बॉलिंग बैटिंग दोनों को अच्छे खासे हेल्प मिलेंगे। और दोस्तों आपको जो रन एवरेज स्कोर 140 के आसपास में स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना। और थोड़ी सी बॉलिंग से पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पे अच्छे खासे पेसर्स को विकेट्स मिले हुए। अब हमारे टेलीग्राम से जुड़ने की बात करते हैं, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करना। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहले ओडीजे की टीम की, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में, और इनकी टीम ने खेले गए रिसेंट के 9 मैचों में 5 विन और 3 लॉस, एक इनका बाउंडेड हुआ था। हालांकि दोस्तों इनकी टीम की ओर से यहाँ पर प्रधान नजर आएंगे। दोस्तों प्रधान इनकी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करवाएंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, राइट में फास्ट बॉलिंग है, 7 मैचों में 36 रन। इनकी अगर अपनी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट के मैचों में 37-0-9-23 का स्कोर है। और ओपनिंग बैटिंग है दोस्तों, आपको 20 या फिर 30 प्लस एवरेज स्कोर इनके बैटिंग से देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे तो यहाँ से इनको हम पिक करके चलेंगे, ये टॉस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों श्रेयस नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन और लेग ब्रेकर बॉलिंग कराते हैं, 3 मैचों में 58 रन 19 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखो तो 44-24 से पहले 5-17-10-57 का एक बड़ा स्कोर था, जिसमें 25 रन का भी स्कोर किए थे। वन डाउन बैटिंग कभी कभार ओपनिंग भी आते हैं, वैसे भी देखो तो राइट हैंडर बैट्समैन सिर्फ इसे बैटिंग ऑप्शन ठाक और ये हमारे टीम के मेन बैटिंग ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों, और आप इन्हें ग्रैंड लीग्स के टीम्स में से कैप्टन भी करके जाना। उसके बाद यहाँ पर जो गोविंद नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, जिसमें इन्होंने अभी रिसेंट के मैच में देखो तो 1 से 2 बार ज्यादा इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया। हालांकि 20 मैचों में 754 रन 50 का एवरेज, जिसमें 18 विकेटें भी थे, ऑलमोस्ट ये बॉलिंग बैटिंग करा लेंगे। अब रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इन्होंने शतक जड़े थे, जिसमें 101 रन का स्कोर विकेट लेस, जिसमें इन्होंने 1 ओवर के भी बॉलिंग कराई थी, इससे पहले भी 11 का स्कोर 1 विकेट है, तो इन्होंने 2 से 1 ओवर ज़्यादा बॉलिंग नहीं डाले। हालांकि बैटिंग से जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तो यहाँ से आप इनको एज अ प्लेयर अपने टीम्स में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जगजीत सिंह साहू नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, 71 मैचों में 16-19 रन, जिसमें 40 का औसत है। अब रिसेंट फॉर्म देखो तो 15-0-20-1 रन और 9 रन का स्कोर है, कुछ खास बढ़िया इनका बैटिंग ऑप्शन रिसेंट के मैचों में देखने को मिला नहीं। हालांकि एक तरह से देखो तो ये ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आप जीएल के किसी टीम्स में प्रेफर करो। गौरव को तो आप देख लो विकेट कीपिंग कराते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन 49 मैचों में 652 रन, जिसमें 19 का औसत। रिसेंट के मैचों में न तो बैटिंग न तो बॉलिंग, इससे पहले भी इन्होंने 20 डक पर आउट 7-2 स्कोर रहे न, तो अब देखो इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है। एज अ करियर स्टार्ट थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, और आपको ग्रैंड लीग के टीम्स में रिस्क लेना हो तो फिर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को ट्राई करना। अभी यहाँ से हम किसी को भी स्मॉलिंग में नहीं पिक करके जाएंगे। सैयद जाकी की बात करें, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनका भी बॉलिंग है, 53 मैचों में 808 रन, जिसमें 21 के एवरेज और 78 विकेट थे। रिसेंट फॉर्म देखो तो लास्ट के मैचों में सिर्फ 2 ही रन का स्कोर था, इससे पहले इनका 2 विकेट, जिसमें 4 ओवर के बॉलिंग, ये भी एज अ पार्ट टाइम बॉलिंग है। अब इनके अभी रिसेंट के मैचों में किसी मैच में बॉलिंग कराए नहीं भी करा रहे, एज अ ग्रैंड लीग के ही इंपॉर्टेंट
करेंगे। यहाँ सिंह को भी अभी हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। अनीस का भी देखें तो इनका भी वही हाल है, राइट हैंडर बैट्समैन 35 मुकाबले खेल चुके हैं, 640 रन, 29 के एवरेज, रिसेंट के फॉर्म में 19-11, 17 30 प्लस स्कोर, जिसमें आपको 20 ज़्यादा स्कोर कराएंगे नहीं। और आपको इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है 7 से 8 नंबर पे करने के लिए आ रहा है, आप इनको ग्रैंड लीग के टीम्स में ही ट्राई कीजिएगा। यहाँ से इनको भी हम स्मॉल में भी ड्रॉप करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों विघ्नेश शर्मा जो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, रिसेंट के मैचों में ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, इससे पहले वन विकेट एक बॉलिंग से ऑप्शंस ठीक ठाक है। हालांकि 149 मैचों में इनको 121 विकेटें भी मिले, जिसमें 34 का औसत और 3492 रन, तो बैटिंग से ऑप्शंस ठीक ठाक है और बॉलिंग भी आपको कराकर दे रहे। तो इनको यहां से हम अपने टीम्स में ट्राई करके चलेंगे और आप इन्हें ग्रैंड लीग के भी टीम्स में कैप्टन ज़रूर से पिक करना। बाकी जो 20 विकेट कीपिंग कराते हैं 8 से 9 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, रिसेंट फॉर्म में 6-22-10 6 रन का स्कोर है, जिसमें इन्होंने 39 मुकाबले खेल चुके, 579 रन, 17 का औसत है दोस्तों। अब रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है, फिर भी जो बैटिंग ऑर्डर है वो इनका काफ़ी नीचे रहा था। अभी आप इन्हें ग्रैंड लीग के टीम से पिक करो। उसके बाद यहाँ पर जो रूट नजर आएंगे ना, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, रिसेंट के फॉर्म में 1 विकेट विकेटलेस गए, 1 विकेट पर 2 से 3 से ज़्यादा पर इन्होंने बॉलिंग नहीं करा रहे। हालांकि दोस्तों इनकी टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो यहाँ से इनको हम पिक करके जाएंगे। तो पूरी टॉस पर डिपेंड करेगा पप्पू रॉय, और यहाँ पर उसके बाद जो प्रशांत नजर आएंगे ना, एक बॉलिंग ऑप्शंस ठीक ठाक है और दोनों ही अब इस टीम के मेन बॉलिंग प्लेयर्स रहेंगे। देखो पप्पू रॉय का जो स्टैट्स है 24 मैचों में 50 विकेट, जिसके रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यहाँ से इनको अपने टीम्स में पिक करके जाएंगे। प्रशांत को भी ट्राई करेंगे, 39 मैचों में 54 विकेट करा था, रिसेंट के फॉर्म में 3 विकेट विकेटलेस गए थे, 2 विकेट 2 विकेट, तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी बढ़िया टच में चले। तो यहाँ से दोनों ही बॉलर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी बेंच प्लेयर्स इनके जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे, इनकी सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम से दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिए, ज़रूर से ज्वाइन करना दोस्तों। और मैच के टाइम आपको लास्ट के मिनटों तक चैनल पर हमारे एक्टिव रहना। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो ओपीए की टीम, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में, और इनकी टीम ने खेले गए 8 मैचों में 4 विन 3 लॉस, 1 बाउंड्रेड था इनका। और इनकी ही टीम की ओर से यहाँ पर आदित्य नजर आएंगे। देखो ये राइट हैंडर बैट्समैन, राइट में फास्ट बॉलिंग है, अभी रिसेंट के मैचों में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाया। हालांकि 62 मैचों में 2448 रन, जिसमें 44 का एवरेज और 55 विकेट थे, रिसेंट के मैचों में 9-3-44-26 का स्कोर है। उसके बाद इन्होंने 16 प्लस स्कोर भी किए थे। वैसे भी ओपनिंग बैटिंग और आप इनको एज अ प्लेयर अपने टीम्स में ट्राई करके चल सकते हो, जो या फिर 20 या फिर 30 प्लस एवरेज स्कोर करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अमित साव नजर आएंगे, विकेट कीपिंग कराते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है, 247 मैचों में 1706 रन, जिसमें 44 का औसत, लास्ट के मैचों में डक पर आउट हुए थे। हालांकि इनकी इससे पहले के मुकाबले नहीं खेले हैं, बैटिंग ऑप्शंस ठीक ठाक, और आप एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में रिस्क ले सकते हो, जो कि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स करके देंगे। तो आपको स्मॉलिस के साथ साथ ग्रैंडलिस के भी टीम्स में इनको ट्राई करना है। बाकी यहाँ पर जो संदीप नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, 36 मैचों में 950 रन, जिसमें इन्होंने 28 का एवरेज और 2 ही विकेट थे, रिसेंट के फॉर्म में 18-53, इससे पहले भी 18-41 का बड़ा स्कोर था, जिसमें एक बैटिंग ऑप्शंस ठीक ठाक है। बाकी एज अ प्लेयर अभी इनको यहाँ से हम अपने टीम्स में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो अनिल नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, 10 मुकाबले 219 रन, 24 का एवरेज, रिसेंट के फॉर्म में 31-5-12, उसके बाद 23-20 रन का स्कोर है। अब इनका ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग एज अ ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। स्मॉलिंग रखने से कुछ खास प्रॉफिट वगैरह आपको होगा नहीं, इनकी रिसेंट फॉर्म, बैटिंग एवरेज फॉर्म, स्ट्राइक रेट कुछ भी अच्छा रिसेंट के मैचों में देखने को नहीं मिला। अभी इनको हम यहाँ से ड्रॉप करके जाएंगे। बाकी जो प्रशांत है, राइट हैंडर बैट्समैन, दो ब्रेकर बॉलिंग है, 39 मैचों में 762 रन, 20 के एवरेज, सिर्फ 5 ही विकेट था, रिसेंट फॉर्म देखो तो 27-13-2-13 और 1 रन का स्कोर है दोस्तों। मिड ऑर्डर एक बैटिंग आप चाहो तो अनिल या फिर प्रशांत में से किसी एक बैटिंग ऑप्शंस को टीम्स में ट्राई कर सकते हो। अभिषेक यादव जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनका भी बॉलिंग है, 70 मैचों में 1789 रन, 34 के एवरेज, जिसमें 28 विकेट, रिसेंट के फॉर्म में 11 का स्कोर 2 विकेट था, इससे पहले भी 18 का स्कोर 2 विकेट, 16 रन का स्कोर 3 विकेट। तो ये कैप्टन है, वाइस कप्तान के भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो चाहे आप स्मॉलिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ग्रैंड लीग्स में आप इन्हें 2 से 4 टीमों में ट्राई करना दोस्तों, इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सुजीत नजर आएंगे, विकेट कीपिंग कराते हैं, इनकी ना बैटिंग ऑप्शंस कुछ खास अच्छा है नहीं, किसी मैच में बैटिंग कराएंगे नहीं भी कराएंगे, रिसेंट के फॉर्म में 20-7-0, उसके बाद 2 रन का स्कोर है। यहाँ से अगर ये खेलते भी हैं तो अभी इनको हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। अब देखो इनके पास जो टीम के मेन बॉलिंग है, तो जसवाल नजर आ सकते हैं, रिसेंट के मैचों में 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट था और 32 मैचों में इनको 56 विकेट मिले, जो कि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा लेते हैं, तो यहाँ से इनको अपने टीम्स में पिक करके जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो तपास दास नजर आएंगे, राइट मीडियम बॉलिंग है, रिसेंट के मैचों में 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और इन्होंने 29 मैचों में 41 विकेट निकाले हुए, तो ये दोनों ही टीम के मेन बॉलिंग है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो विश्वाल नजर आएंगे ना, 15 मैचों में 44 विकेट इनका भी था, रिसेंट के फॉर्म में 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, स्टार्टिंग फॉर्म थोड़ी बहुत ये फ्लॉप थे, उसके बाद ये काफ़ी बढ़िया टच में चल रहे हैं। तो यहाँ से ये टीम के पास 3 मेन बॉलिंग है। बाकी आपके पास
सोहन लाल जो कि लेग ब्रेकर बॉलिंग इनका, और 10 मैचों में 13 विकेट, रिसेंट के फॉर्म में 1 विकेट। और रीज़न ये है कि आपको 2 से ज़्यादा ओवर ये बॉलिंग नहीं कराएंगे, तो इनको यहाँ से रखने से कुछ खास हमें प्रॉफिट वगैरह रहेगा नहीं, और अभी इनको हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। और बेंच प्लेयर्स इनके जो भी प्लेयर दोस्तों यहाँ से खेलते हैं, इनके सारे अपडेट्स हम टेलीग्राम पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिए, ज़रूर से ज्वाइन करना। अभी हम चलते हैं अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये हमारी स्मॉली की फाइनल टीम है, और आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स टॉस के बाद कर देंगे, और आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और ये 7-4 का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे हमने जैसे कैप्टन अभिषेक यादव की है, वाइस कप्तान हम रोहित के साथ जा रहे हैं। अगर आपको वाइस कप्तान ने जो चेंजेस करना होगा तो आप यहाँ से वी शर्मा या फिर आप गोविंदा को जो वाइस कप्तान आप कर सकते हो। फिलहाल आप टीम प्रीव्यू देख सकते हो, और मेरी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। और मैच के टाइम आप सभी को टेलीग्राम पे लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी हमारे टीम की कैप्टन या वाइस कप्तान या फिर टीम कॉम्बिनेशन में चेंजेस होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाना। फिलहाल दोस्तों अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैचेस के साथ।